नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक साइड तो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वाइज सारे के सारे लेक्चर्स डालने का प्रयास कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ लीनियर अलजेब्रा के ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया है जो कि 2018 दिसंबर बुकलेट कोड ए क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में पूछा गया तो बहुत इजी चीज़ है जो पूछा है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे किसी स्पेस की सब स्पेस की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसके बेसिस वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं, क्या स्पैन होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द सब स्पेस डब्लू वन एंड डब्लू टू ऑफ आर थ्री गिवन बाई डब्लू वन इज़ लाइक दिस एंड डब्लू टू लाइक दिस। इफ़ डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ आर थ्री सच दैट डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू स्पैन ऑफ दिस एंड डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू वन इज़ आर्थोगोनल टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू विद विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑफ आर थ्री। यूजुअल इनर प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपली डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देन यू हैव टू चूज वन टू थ्री फोर ऑप्शन, द राइट ऑप्शन यू हैव टू चूज। सो एक बार फिर से क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आर थ्री एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, उसके दो सब स्पेस दे रखे हैं, एक डब्लू वन और एक डब्लू टू। फिर एक वो नया सब स्पेस जिसको नाम दे रहा है डब्लू कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और किसकी हेल्प से? डब्लू वन और डब्लू टू की हेल्प से। और ये कंडीशंस हैं, पहली कंडीशंस दूसरी कंडीशंस, तो इन दो कंडीशंस की हेल्प से आपको डब्लू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं। तो अगर केवल और केवल सॉल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन को इसके दो ऑप्शंस तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं केवल अगर सॉल्यूशन की बात करें। देखो ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू क्या है? स्पैन ऑफ जीरो वन जीरो। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ये वेक्टर इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो यानी कि वो डब्ल्यू टू में भी होगा और W में भी होगा। तो यानी कि W पक्का किसको कंटेन करेगा? जीरो वन वन को तो पक्का कंटेन करेगा, और ये चीज़ मैं अभी दिखा दूंगा कि W जो है जीरो वन वन को कंटेन ही करेगा। तो यहाँ से आप वो ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो जो कि जीरो वन वन को कंटेन नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से नहीं कर रहे हैं? एक तो दूसरा ऑप्शन जीरो वन वन को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और चौथा ऑप्शन भी जीरो वन वन को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि W का इंटरसेक्शन आप जब W2 के साथ लोगे तो उनके स्पैन में क्या रहा है? जीरो वन वन। यानी कि ये जो जीरो वन वन वैक्टर है वो W में भी है और W2 में भी है, और आपसे W ही पूछ रहा है। तो यानी कि W में तो ये वैक्टर होगा ही होगा, तो वो ऑप्शन तो सही नहीं होंगे ना जिसमें जीरो वन वन नहीं होगा, इसलिए मैंने उन ऑप्शंस को कट कर दिया। तो अब आपके पास केवल दो पॉसिबिलिटीज बची, पहला ऑप्शन सही हो सकता है या फिर तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें किस पे दे रखी है? W इंटरसेक्शन W2 पे। तो W2 मुझे ये दे रखा है, तो अब W2 इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन W2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ, उससे भी पहले एक चीज़ बताऊँ। सपोज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता है कि W2 की डायमेंशन क्या है, तो W2 की डायमेंशन देने के यहाँ पर मैं तीन तरीके बताऊँगा। एक पहला तरीका देखो कि क्या होता है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी है? थ्री, माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? वन। सो थ्री माइनस वन, सो डायमेंशन ऑफ W2 कितनी आ गई? टू। डायमेंशन ऑफ W2 कितनी मिल गई आपको? टू मिल गई ऐसे। और यहाँ से भी देखना अभी कैसे, दूसरा तरीका देखो, इस W2 को कैसे लिख सकते हैं? ये जो कंडीशन दे रखी है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, इस रिस्ट्रिक्शन को इस टपल पे अप्लाई कर दो। कैसे? x की जगह पर x रखा और y की जगह पर क्या रख सकते हैं? x प्लस जेड। इस y को उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? x प्लस जेड। तो y की जगह पर मैंने रख दिया x प्लस जेड, और z को z ही रहने दिया। अब x और z कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर से। तो दूसरा तरीका इस तरीके से होता है कि इस टपल पे
नंबर ऑफ फ्रीडम्स, कितनी वैल्यूज़ तुम अपनी तरफ से देने के लिए फ्री हो। एक तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं और दूसरी जेड की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं और ये टपल बन जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रीडम्स इस टपल पर कितनी है? दो, तो उसको भी डायमेंशन बोलते हैं। तो इसलिए W2 की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टू। एक बार और देखेंगे कि W2 की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो इसकी बेसिस निकालेंगे और देखेंगे कि उसकी बेसिस में भी कितने वेक्टर्स हैं, दो ही वेक्टर्स होंगे। तो देखते हैं अब W2 को और कैसे लिखा जा सकता है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे x बाहर ले लिया, कैसे लिखेंगे? 1 1 0 प्लस जेड लिखा 0 1 1 और एक्स जेड कहाँ से आ रहे हैं? आर से आ रहे हैं। अब देखो इसको देखने से क्या पता चला है कि W2 का आप कोई भी वेक्टर उठाओ, ये जनरल वेक्टर था W2 का, लेकिन वो वेक्टर किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? इस वेक्टर और इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी कि W2 इसके और इसके स्पैन से बना है। यानी कि W2 इज नथिंग बट स्पैन ऑफ 1 1 0 0 1 1। ये हो गया। और अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिस क्या होगी, बेसिस ऑफ W2 क्या होगा, तो ये सेट बेसिस हो जाएगा 1 1 0 0 1 1। तो यहाँ से भी आप देखो कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दो। तब भी डायमेंशन कितनी मिल रही है? दो। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में या अगली बार पूछा जा सकता है। अच्छा, हमें तो केवल इस चीज़ से मतलब था कि इस W2 है क्या। W2 आपको क्या पता चला कि W2 इज़ नथिंग बट स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब W2 का इंटरसेक्शन अगर W के साथ आप लोगे, W2 का इंटरसेक्शन अगर आप W के साथ ले रहे हो, तो क्या बोल रहा है? स्पैन ऑफ 0 1 1। तो देखो 0 1 1 किस में? W2 में हमने दिखाए। और अगर इंटरसेक्शन है, इसका मतलब W में भी क्या है? यहाँ से पहली कंडीशन क्या इम्प्लाई कर रही है कि W के अंदर क्या आएगा? 0 1 1 तो आएगा ही, उसके साथ एक दूसरा वेक्टर भी आएगा। अब दूसरा वेक्टर कौन सा आएगा वो हमें इस कंडीशन से पता चलेगा, दूसरी वाली कंडीशन से पता चलेगा। तो दूसरी कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दूसरी कंडीशन को एक बार देखते हैं। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि W इंटरसेक्शन W1 इज ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2। तो बस इसी को अप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले W1 को भी अच्छे से देखते हैं और लिखने का ट्राई करते हैं कि कैसे W1 को लिखा जा सकता है। W हमें ये मिल गया। अब दूसरा वेक्टर हम ढूंढ रहे हैं कि दूसरा वेक्टर कौन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली कंडीशन को। तो अब W1 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। एक्स को ऐसे ही रखा, y को भी ऐसे ही रखा, और z को क्या रख सकते हैं? -x -y। z की जगह पर क्या रख दिया? -x -y। और x और कामा y कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि W1 के सपोज कोई डायमेंशन पूछता, तो फिर से W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। कितनी रिस्ट्रिक्शन है? 1। सो 3 -1 2। सो डायमेंशन ऑफ W1 भी कितनी हो गई? 2। या यहाँ से भी देख सकते हो आप कि इस टपल पे कितनी फ्रीडम है। एक x की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो और दूसरी y की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो। सो नंबर ऑफ फ्रीडम्स ओवर द टपल वो भी क्या होता है? डायमेंशन होता है। तब भी 2 आ रहा है। और अभी जब इसकी बेसिस निकालेंगे तब भी आप देखोगे कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो डायमेंशन निकालने को पूछ सकता है। ठीक है, अब W1 को और कैसे लिख सकते हैं, और अच्छा से लिखने का कोशिश करते हैं। x 1 0 -1 प्लस 0 1 -1, जहाँ पर x y कहाँ से आ रहे हैं? हमारे रियल नंबर से। अब इस चीज़ से देखो फिर से वही पता चला है कि W1 का आप कोई भी वेक्टर लेके आओ, वो वेक्टर क्या होगा? इसका और इसका क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि W1 का हर वेक्टर इस वाले और इस वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि W1 इज नथिंग बट स्पैन ऑफ 1 0 -1 0 1 -1। ये चीज़ पता चली। अगर आपसे कोई पूछे कि W1 की बेसिस क्या होगी, तो बेसिस भी
यही वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। W2 के केस में भी आप वेरीफाई कर सकते हो और W1 के केस में भी आप देख सकते हो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो 1 0 -1 0 1 -1 ये चीज़ आ गई, बेसिस मिल गया। लेकिन हमें बेसिस से नहीं मतलब था, बेसिस नहीं निकालने को पूछा है, हमें तो इससे मतलब है कि W1 क्या है। अब ये क्या बोल रहा है, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि W1 का इंटरसेक्शन इसका, इस वाले सेट का अगर इंटरसेक्शन किसके साथ, W के साथ लेते हैं, तो जो सेट आपको मिलना चाहिए, जो सेट आपको मिले वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, W इंटरसेक्शन W2 पर। W इंटरसेक्शन W2 पर मतलब इस स्पैन पे, इस स्पैन पे मतलब इस, अगर वेक्टर पे मैं ऑर्थोगोनल दिखा देता हूँ तो सारे वेक्टर्स पर ऑर्थोगोनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पैन एक ही वेक्टर से जनरेट हो रहा है, तो जो भी इसके अंदर और वेक्टर्स आएंगे वो सारे इसी के मल्टीपल होंगे, तो वो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो अगर कोई एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिखा दिया तो सारे वेक्टर्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि हर वेक्टर इसी का क्या होगा, मल्टीपल होगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई, अगर आप यहाँ से कोई दूसरा वेक्टर उठाओगे तो उसकी डायरेक्शन दूसरी होगी, नहीं, क्योंकि ये पूरा स्पैन, पूरा सेट एक ही वेक्टर से जनरेट हो रहा है, इसलिए सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही रहेगी। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो सेट आएगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किस सेट पर, इस वाले सेट पर, बोले तो 0 1 1 इसके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब इंटरसेक्शन में कौन कौन से वेक्टर आ सकते हैं, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। अब हमें पता है कि W में ये वेक्टर तो है ही, कौन सा, 0 1 1। तो सपोज थोड़ी देर के लिए अगर 0 1 1 आता है यहाँ पर, तो 0 1 1 अगर आपने रखा तो क्या ये परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी कि इनके, इसके और W1 और W के इंटरसेक्शन में ये वेक्टर नहीं आएगा। तो कौन सा वेक्टर आएगा, जिस वेक्टर की हम तलाश कर रहे हैं वो वाला। तो अब वो वेक्टर कहाँ से आएगा, वो वेक्टर अगर इनके इंटरसेक्शन में है, W और W1 के इंटरसेक्शन में है, तो यानी कि W1 का कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बशर्ते वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो अगर ये वाला वेक्टर होगा तो क्या रख सकते हैं, क्या इसको 1 0 -1, सपोज थोड़ी देर के लिए इसको रखा 1 0 -1, क्या ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, देखो करके डॉट वाइज, डॉट प्रोडक्ट सिंपली 0 0 -1, अरे नहीं, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब अल्फा और बीटा परपेंडिकुलर तब होते हैं जब अल्फा डॉट बीटा क्या हो, 0। तो इसका मतलब ये वेक्टर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 0 नहीं हुआ। तो कौन सा आ सकता है, क्या ये आ सकता है, इसको रख के देखो 0 1 -1, 0 1 और -1, सो 1 -1 विल कम आउट 0। तो ये वेक्टर क्या होगा, इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो यानी कि फिर W इंटरसेक्शन W1 में अगर ये वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन को, तो यानी कि ये वेक्टर फिर कहाँ है, W में भी है, ये वेक्टर W में भी है, 0 1 -1, ये वेक्टर कहाँ होगा, 0 1 -1। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, W हमें कंप्लीट पता चल गया। अब आप देख सकते हो ये वेक्टर नहीं हो सकता, 1 0 -1, ये वाला वेक्टर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ऑर्थोगोनल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे इस वेक्टर को रखा हमने, सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा भी कर सकता था कि जेड की वैल्यू ना निकाल के कोई ऐसा करता कि वाई इक्वल टू ऐसा कर देता -x -z, या एक्स इक्वल टू -y -z कर देता, x = -y - z कर देता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाली जगह पर, बस यहाँ पर बस माइनस का फर्क आ जाता। तो हमें पता है कि अगर अल्फा किसी सब स्पेस में है तो माइनस अल्फा भी उसी के अंदर होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा हो जाता है 0 -1 1, इतना हो जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ऑप्शन आपको पहला ही टिक करना था, क्योंकि अगर स्पैन में इसके अल्फा है तो माइनस अल्फा भी इसी के अंदर आएगा, तो वहां पर आपको इतना दिमाग लगाना होता, तब भी ऑप्शन इसी को टिक करते। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।